तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। ये बहुत ही बेसिक सवाल है और आई होप कि इसको सब लोग कर लिए होंगे या आता होगा आपको। तो अगर देखो कि फोर फाइव आइडेंटिकल बॉल्स हैं आर सस्पेंडेड विथ ए स्ट्रिंग, सो दैट डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल। इफ द राइट बॉल वन इज मूव, तो कितने बॉल यहाँ से निकलेंगे? देखो, अगर यहाँ पे चार दो बॉल रखे हुए हैं, तीन बॉल रखे हुए हैं, ठीक ना, और अगर इधर से एक बॉल से धक्का मार दोगे, एक नए बॉल से इधर से कोलिजन करा दोगे, ठीक है ना, तो कुल मिला के यहाँ से कुल ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक ना, पूरा एक सिस्टम है। तो जब ये बॉल ए आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम में कितना है? इनिशियल मोमेंटम है हर एक आइडेंटिकल, और मास एम, इसकी वेलोसिटी भी एम भी। तो कोलिजन के बाद भी इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम एम भी ही रहेगा। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोलिजन के बाद इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम एम भी रहेगा, तो तुम देखोगे यहाँ से केवल एक ही बॉल निकलेगा, तभी जाके मोमेंटम एम भी रह जाएगा। समझ में आया? अगर यहाँ से दो बॉल आ रहा है और दोनों आइडेंटिकल है, और यहाँ से चार बॉल पहले से रखा हुआ था, ठीक है, तो अब इसका मोमेंटम 2 MB है कोलिजन से पहले पूरे सिस्टम का। और कोलिजन के बाद अब जो है ये दोनों ए और बी रेस्ट में आ जाएंगे, यहाँ पर ए और बी रेस्ट में आ जाएंगे, और ये जो है सी और डी वहीं रह जाएंगे, ठीक है ना, और यहाँ से ये जो एक्सट्रीम वाले हैं वो आगे मूव करेंगे, जैसे मोमेंटम 2 MB बाद में भी रहेगा, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस, अगर एक बॉल धक्का मारेगा तो इधर से एक ही निकलेगा यार, दो धक्का मारेगा तो यहाँ से तीन धक्का मारेंगे तो इधर से तीन निकलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से वन एक्सट्रीम बॉल लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट ऑप्शन सही है। थैंक यू बाबा, टेक केयर।